ड्रॉइंग प्रैंक विद हॉट गर्ल इन अ 5-स्टार होटल। एक बारी फिर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं एक और नया ड्रॉइंग प्रैंक वीडियो लेकर के। ये प्रैंक वीडियो हमने इस बारी किया था वेस्ट बंगाल के एक फेमस मॉडल पे। आप देख सकते हैं लोग इनके साथ फोटोज खिंचवा रहे थे उस दिन। हमारे सामने संयोग से जिस 5-स्टार होटल में हम ठहरे थे उसी होटल में ये आई थी, हमारे सामने ही विराजमान थी। हमने सोचा ये मौका हाथ से जाने ना पाए और इनके साथ हम ये ड्राइंग प्रैंक वीडियो करेंगे। इससे पहले जितनी भी गर्ल्स के साथ हमने वो ड्राइंग प्रैंक वीडियो किया, सारी की सारी इम्प्रेस हो गई, सब हमारी दोस्त बन गई। इस बार इन पे भी जादू चलाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो देवियों और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि कुछ तो घमासान आज होने ही वाला है। गोलाकार आकृति बनाते हुए सबसे पहले हम चेहरे के भारी ढांचे को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद पेंसिल शेडिंग के माध्यम से चेहरे के नैन नक्शों को उभारा जाता है। उभारते वक्त हम 3 चीजों का ध्यान देते हैं, लाइट टोन, डार्क टोन और मिड टोन। इन्हीं टोन से खेलते हुए पूरा चेहरा हमारा बन जाता है। अब हम बालों की तरफ जब बढ़ते हैं तो बालों में सबसे काले एरियाज को सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद प्रेशर को कम ज्यादा करते हुए पूरे बालों को घना और काला बनाया जाता है। दोस्तों सोचिए कितनी कमाल की बात है, ये वही पेंसिल है जिससे हम सबसे पहले लिखना सीखते हैं। उसी पेंसिल का यूज करके ये कलाकार कितना महान कारनामा कर रहा है। पेंसिल पे लगे ग्रेफाइट को पेपर पे इस तरह से उतारा गया है कि वो मनुष्य के चेहरे का आकार ले ले और वो भी हूबहू। भाई वाह, क्या स्केच बनाया, लाइक बनता है, ये लाइक करे बगैर मत जाना, स्केच के लिए लाइक बनता है। अपने खुद के स्केच को देखने के बाद दिमाग में डोपामाइन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है जिसके चलते दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि सामने वाले को बनाने वाले आर्टिस्ट से इश्क वाला लव होने की पूरी पूरी गुंजाइश होती है। स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आर्टिस्ट का नाम है देबांशु दे और इनके यूट्यूब चैनल देबांशु आर्ट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके देबांशु आर्ट्स। एक्सक्यूज मी मैम, एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। ये पेंसिल स्केच है। यस यस। जी हाँ मैम, हाथ से बनाया गया। आगे थोड़ी सी ज्यादा इंग्लिश हो गई तो मैं हिंदी करके बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि ये स्केच ही है या क्या है, तो हमने कहा स्केच ही है। और उसके बाद इन्होंने एक सवाल हमसे पूछा कि तुमने मेरा ही स्केच क्यों बनाया, और भी लोग यहाँ पर है। तो हमने सीधा सा जवाब दिया कि यहाँ पर आपसे ज्यादा कोई और हसीन दिखा नहीं हमें, दैट इज वाई आपका ही बनाया। इसके बाद इन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा, इंस्टाग्राम आईडी पूछी। इंस्टाग्राम आईडी जब हमने बता दी उसके बाद बस थैंक यू सो मच बोल करके हम जाने ही वाले थे, जा ही रहे थे, निकल लिए थे एक तरह से। पीछे से इनकी आवाज आई, यस। लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली कि क्या आप हमारे साथ कॉफी पे चलोगे। हमने कहा क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। और इसी के साथ ही वीडियो का अंत होता है। आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट में अपने विचारों को जरूर विमर्श करें, दिल में दबाए ना रखें और शेयर जरूर करें वीडियो।